और आज इस विवाद पर सुनवाई है वो है ज्ञानवापी में स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन का। लेकिन एक और अहम केस चल रहा है, 1991 में सोमनाथ व्यास ने एक मुकदमा दर्ज किया था और उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को आदि विशेश्वर मंदिर कहते हुए इस मंदिर को सौंपने का मामला दर्ज किया था। इस मुकदमे में विजय शंकर रस्तोगी पैरवी कर रहे हैं। आज तक रस्तोगी जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मुझे जरा इस नक्शे को समझा दीजिए कि ये जो नक्शा है क्या, कहाँ कहाँ क्या 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 चीज़। इस नक्शे में आप जो बीच में देखेंगे ये भगवान शंकर का, भगवान स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। मूल मंदिर यही है यहाँ तो, लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद है। भाई आप बाद की बात क्यों आ जा रहे हैं, वो तो बहुत बाद की बात है ना, जब इसको गिरा दिया गया। अभी तो ये एग्जिस्टेंस की बात मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इस नक्शे के आधार पर पुरातन मंदिर था। इसके गर्भगृह में जो है भगवान शिव का 100 फुट का ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान है। इसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है, ये दालान के रूप में निकाल दिया गया है। और ये चारों तरफ जो है ये चौखुंटा था पुराना विश्वनाथ मंदिर, जिसमें कि सारे देवी देवताओं के मंदिर और ये सब सारी चीजें इसमें जो है दर्शाई गई हैं। ये कब्जा गया कैसे फिर मुस्लिम समुदाय के पास, मुस्लिम पक्ष के पास? 1669 में औरंगजेब बादशाह का जमाना था, उसका जो है वह राज्य था, विशाल सेना उसके पास थी, हिंदुओं के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी, लड़ाई लड़े अवश्य, हिंदू हजारों हजारों की संख्या में वहां काम आए, मार दिए गए और करीब 1,500 के रूप में संख्या में नागा सन्यासी भी लड़ाई लड़े कि ये मंदिर टूटे ना, लेकिन उनको भी काट डाला गया मुसलमानों के द्वारा। उस प्रकार से इसको जबरदस्ती कब्जा किया गया था। अंधा व्यक्ति भी देख करके ये बता सकता है, कमिश्नर महोदय तो इसको देख करके बताए ही होंगे और वो पूरा इन्होंने वीडियोग्राफी इसकी लिया होगा कि ये मंदिर की सारी दीवारें यथावत दिख रही हैं। ये पश्चिम तरफ का पश्चिमी हिस्सा है, इधर ही जो है श्रृंगार गौरी का यह स्थान है, ये किए होंगे वो। इसके बाद दूसरा यह चित्र देखिए, ये सारे मंदिर के जो है वो अवशेष हैं। ये ध्वंस किया गया स्थान है जो वहीं पर मौजूद है, इसको उन्होंने लिया होगा।